जय दलाल, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सब स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और हमारा मीटिंग खत्म हो चुकी है, आज है हमारा चौथा दिन। और आज हम मनोहरपुर से रांची की ओर निकल रहे हैं। अभी सुबह का समय है, हम सभी यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं नाश्ते में जीरा रोटी और राजमा का सब्जी, राजमा आलू। तो सभी लोग आज हम लोग निकल जाएंगे रांची की ओर। तो मैं ट्रेन का सफर आप लोगों को नहीं दिखा पाई, पर आज मैं ट्रेन से जा रही हूँ, तो वहाँ का सफर मैं जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। पिछले बार मैं कार से आई थी, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, अब मैं कार में नहीं जा सकती, तो मैं आज ट्रेन में जाऊंगी, तो वहाँ का सफर मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे मेरे ब्लॉग में। क्या बोल रहा था हमको, बोला ना और तुमका एक चांद सुंदर सा चेहरा दिखाते हैं, चांद दिखाते हम बोला कि तो नहीं आपका दिखा मौका को भैया भी खा सकते हो इधर दे रही रोटी चिको और रोटी ऐसे दे गिरे देखे बहुत इसको बोल रहे एक रोटी तो खाओ का खाओ ऐसे तुम खाए खाई गिरे चिको को तो दांत मिलाते ठीक है, लेकिन खाने टाइम नहीं चिड़ाना। अब भंडो खा ले रोटी परमेश्वर जब आपका आना हो प्रभु जी, तो निश्चय खुदावन ये प्रभु जी आपके सम्मुख प्रभु जी खड़े होने योग्य बन कर मेरे प्रभु जी हम प्रसन्न धन्यवाद करते हैं। आपकी तारीफ हो, बढ़ाई हो, प्रशंसा हो मेरे खुदावन साहब। प्रथम प्रभु जी आपके दास के लिए प्रभु जी बाबा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यह परमेश्वर हाँ मेरे खुदावन, आपने प्रभु जी घर के नींव के समान प्रभु जी आपने खड़ा किया पिता। इस स्थान को प्रभु जी आपने दिया है मेरे प्रभु जी ने पिता परमेश्वर दर्शनों के साथ प्रभु। हाँ मेरे यहोवा परमेश्वर आज उनकी सेवा को प्रभु जी आपका दास खुदावन प्रभु जी कर रहा है मेरे। तो देखिए हम लोग निकलने को है, इसलिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं हमें विदाई देने के लिए। और रांची जाने वाले लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, और इधर मनोहरपुर के लोग सब दुखी है, रोना आ रहा है गाइस, रोना आ रहा है। हम छोड़ के जा रहे हैं इसलिए। हाँ प्रभु की दासी है जिन्होंने हमें निमंत्रण दिया था, और अभी आने वाले प्रभु दास उनको भी हम दिखाएंगे। और देखिए ये मैया लोग है, बताओ मैया लोग हम लोग को जो सेवा की, इधर भाग रही शर्मा रही है और वो कह रही है कि हम विदा होते हुए हम नहीं देख सकते हैं, अब बोल रही है। और आप देख सकते हैं इन दोनों जवानों को, इधर देखिए। हाँ ये इन्होंने बहुत ही अपना सेवा में योगदान दिया है, और इन्होंने पानी भर भर के हमें पिलाया है और नहलाया भी है। इन जवानों को प्रभु आशीष दे। हाँ थैंक यू। और प्रभु के दास भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। हाय जिन्होंने हमें निमंत्रण दिया 3 दिन के सेवा के लिए, और अभी इस समय हमें राउरकेला छोड़ने के लिए भी जा रहे हैं, तो प्रभु इनको भी आशीष दे।
ये देखिए, ये कोयल नदी है, बहुत ही दूर तक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी रुकी है क्योंकि आगे स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है और एक बार फिर से फाटक हमारे लिए बंद हो चुके। ये मनोहरपुर का रेलवे स्टेशन है और ये फाटक भी मनोहरपुर की है जहाँ पर अभी बंद हुई है, सारे लोग रुके हुए हैं। हाँ, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हम लोग सिमडेगा गए थे उस समय भी जाने समय भी बंद थी, आने समय भी, जाने समय और आने समय दोनों समय फाटक बंद थी। और इस समय भी जब हम लोग मनोहरपुर में आए हैं तो फाटक बंद है। आप देख सकते हैं उस तरफ स्टेशन है जिधर से ट्रेन आना जाना कर रही है। आपको मनोहरपुर का थोड़ा सा आपको जगह को हम दिखा देते हैं। हाँ, खुल चुकी है फाटक, अब हम लोग चलते हैं। आप देख सकते हैं उस तरफ स्टेशन दिखाई दे रही है। अब हम फाटक पार कर चुके हैं और पास्टर हमारे आगे आगे आप देख सकते हैं, उधर बाइक में जा रहे हैं। तो हमें रास्ता दिखाने के लिए राउरकेला तक हमें लेके जा रहे हैं। मनोहरपुर की घाटी इस रास्ता से नहीं आए। आग लगा दिया गया है इधर जंगल में। सभी स्टेशन पहुंच चुके हैं और सभी हम सामान निकाल रहे हैं। राउरकेला स्टेशन, आप देख सकते हैं बाहर का ये पार्किंग स्थल है और आपको दिखाते हैं राउरकेला स्टेशन। ये तक रुकना पड़ेगा ना, हम कहाँ गाड़ी लगाएंगे? हम लोग अंदर चलते हैं। ये देखिए, हम राउरकेला स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी हम अंदर में हैं, बैठे हुए हैं, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, हमें 5 पे जाना है। लेकिन
तो हम लोग राउरकेला स्टेशन पहुंच चुके हैं और प्लेटफॉर्म 5 में आने वाली हमारी गाड़ी और उसका वेट कर रहे हैं। अभी समय बाकी है तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म 4 और 5। और ये राउरकेला स्टेशन बहुत ही हमें अच्छे लगे क्योंकि इसमें लिफ्ट का सुविधा दिया है। आप देख सकते हैं हम सभी यहाँ पर सामान को लेकर हम लोग आए हुए हैं और ट्रेन का इंतज़ार हो रही है और बीच में पास्टर जी भी हैं जो हमें छोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो ठीक है, हम जब ट्रेन आती है तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं राउरकेला से रांची हटिया के लिए। और देखिए हम इतने लोग जा रहे हैं ट्रेन में, बाकी जो हमें छोड़ने आए थे वो लोग चले गए। बहुत अफसोस है कि हम आप लोगों को नहीं दिखला पाए। कैसे लग रहा है? हमें बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि बाहर हरे भरे नजारे देखने को मिल रहे हैं। हम रोज रोज आते हैं, दिल में मत धन्यवाद के साथ गाऊंगा।
हाथ बहुत नजदीक है। तो फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं अपने भाई घर में आई हुई हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी अपने घर। तो अब तक आप लोग बने रहे उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। और अब मैं वीडियो को यही अंत करती हूँ। फिर से प्रेज द लॉर्ड जय मसीह।